गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नीट, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। ओके, तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पहले अभी सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, और अराउंड अगर मैं बात करता हूँ तो सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने, अगर मैं एक सिंपल बात करूँ तो 70% अराउंड हम लोगों ने कवर कर लिया है। क्लियर है? जो हम बात करते हैं लाइव क्लासेस की, है ना, तो लाइव सेशन के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपरली 70% हम लोगों ने जेई मेंस और एडवांस का सेक्शन हम लोगों ने कवर किया है। क्लियर है बच्चों? ओके, अब इसके बाद क्या है कि 30% बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग लाइव क्लासेस में ही फिनिश करेंगे। ये हमारा बेसिक प्रोसेस रहेगा, उसमें कोई भी हम लोग गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, जैसा सॉल्यूशन चैप्टर की नीड थी बच्चों की कि सर जो आपने पढ़ाया उसको फिर से एक बार आप वीडियो के फॉर्म में आप अपलोड करो, तो ठीक है, मैं उस फॉर्म को अपलोड स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। तो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका ये जो चैप्टर है उसका नाम है आपका सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके, तो ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन चैप्टर से बेसिकली हम समझते क्या हैं, पहले हम उस चीज़ पर बात करेंगे। क्लियर है? ओके, तो जो सॉल्यूशन, इसमें जो बेसिक जो इसमें टर्म आता है, ये जो वर्ड है आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन से जनरली हम क्या समझते हैं पहले मैं उसको क्लेरिफाई करूँगा, देन उसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट पॉइंट आते जाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन चैप्टर जब भी कभी भी किसी के दिमाग में आएगा, है ना, तो बच्चों बेसिक पॉइंट क्या होता है दिमाग के अंदर, लिक्विड फेज। क्या होगा? लिक्विड फेज। कहीं ना कहीं जब हम सॉल्यूशन को दिमाग में लेके चलते हैं तो हम लोग क्या जनरली सोचते हैं कि भाई सॉल्यूशन का मतलब समथिंग कुछ लिक्विड से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं इसका बेसिक एग्जांपल दूं तो अगर मैं आप एग्जांपल की बात करूंगा तो लाइक सी वाटर। क्लियर है? तो सी वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है ये जो आपका सी वाटर है इसमें बेसिकली आपका सेलाइन पार्ट रहता है। तो जिसमें अगर मैं बोलूं तो आपका इसमें पर्टिकुलर सॉल्ट होगा, सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ बच्चों तो NaCl, लाइक CaCl2, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, है ना, etc. इस तरीके से डिफरेंट आपकी सॉल्ट्स प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है? ओके, तो बात कुछ इस तरीके से होगी कि ठीक है, अभी डिफरेंट आपके सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेजोरिटी जो पार्ट है, जो आपका मेजर पार्ट है, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई लिक्विड यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे घरों के अंदर भी अगर आप देखते हो तो जैसे हम क्या बोलते हैं कि भाई शुगर सॉल्यूशन के बारे में, है ना, तो घरों में आपने देखा होगा तो जनरली घर के अंदर हम प्रिपेयर करते हैं शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन में अगर आपने बेसिक पार्ट देखा होगा तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास बेटा बीकर है, इस बीकर के अंदर आप लोग क्या करते हो, जो आपका शुगर पार्ट है उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे, और इसके बाद क्या करना है, शुगर पार्ट ऐड करने के बाद अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई इसमें ऑलरेडी आपका वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम देखते हैं कि शुगर के साथ आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इट मींस इट इज एक्वस पार्ट, राइट। तो सॉल्यूशन का बेसिक जो टर्म है वो हम अगर कॉमन सी बात करें तो यही दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ आपका एक्वस से रिलेटेड है, समथिंग रिलेटेड टू एक्वस पार्ट, राइट। एक्वस का मतलब बेटा क्या है, एक्वस बट आपके एक्वस आया हुआ है उसका मतलब आपका रहता है दैट इज द लिक्विड, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, क्लियर है? ओके, इसके बाद अपन लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। भाई ये तो आपकी बेसिक बात हुई है, बेसिक बात मैंने आपको जब हम लाइव सेशन कर रहे थे उसमें भी मैंने आपको डिस्कस करी थी बच्चों, लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर वे में फिर से स्टार्ट करके पूरे लेक्चर्स को मैं फिनिश करूँगा। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशंस आर मिक्सचर ऑफ, लिखा है सॉल्यूशंस आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो टू और मोर कंपोनेंट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई ये मिक्सचर है जिसमें आपके दो या दो से अधिक आपके कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। बट ये जो आपका कंपोनेंट वाला पार्ट है, यहाँ से टू और मोर जो कंपोनेंट के बारे में बात की जा रही है, तो इसको हम जनरली रिलेट करते हैं बेटा होमोजीनियस के साथ। किसके साथ? होमोजीनियस। इसको हम रिलेट करते हैं होमोजीनियस के साथ। तो होमोजीनियस, इसको मैं एक तरीके से डेफिनेशन और बोल सकता हूँ, आप ध्यान से सुनना, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस
प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कंपोनेंट है मतलब प्योर सब्सटेंस, हुज कंपोजिशन मे बी अल्टर्ड, अल्टर्ड का मतलब चेंज हो रहा है, विद इन सर्टेन लिमिट्स इज टर्म एज सॉल्यूशन। एक ये भी डेफिनेशन आपकी हो सकती है, हालांकि इसकी इसका ही पार्ट है, मैंने इसको सिर्फ एक्सप्लेन किया है। ओके इसके बाद आपका ये जो अब क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आता है कि भाई ये जो आपका मिक्सर है उस मिक्सर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो मिक्सर बेटा क्या है उसको हम डिफाइन करने के लिए इसका एक बेसिक आपका फैक्टर्स होता है, उसको बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ कंपोनेंट। तो ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के आपके जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के साइज के बेस पे हम डिफाइन करते हैं मिक्सर्स को। क्लियर है बच्चों? ओके तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को बेटा हम लोग सीधा सा अगर टर्म यूज करें तो आपका होमोजीनियस मिक्सर है ना, जिसके अंदर आपके टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आपके प्रेजेंट होंगे, और टू और मोर देन टू कंपोनेंट का बेसिक मतलब क्या है कि उसका मतलब होता है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो सॉल्यूट प्लस आपका रहेगा यहाँ पे सॉल्वेंट पार्ट। क्लियर है बच्चों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्ट। क्लियर? ओके इसके बाद आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही बेसिक टर्म से आपको यहाँ पे समझाया सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा सॉल्यूशन को थोड़ा सा और प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि भाई ये तो आपको मैंने बेसिक टर्म बताया, तो सॉल्यूशन को हम एक तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूशन आपका मिक्सर है। क्लियर है? कौन सा मिक्सर बेटा? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमो का मतलब सेम और जीनियस का मतलब पार्ट, जहाँ पे आपके सेम टाइप के एटम्स आपके यहाँ पे अरेंज्ड होंगे, आपके मिक्सअप होंगे, है ना, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना है। हम बात करने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम के रिस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से बात होती है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अगर सीधा से बोलूं कि आपका जो सॉल्यूशन होगा उसके आपके दो पार्ट होंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसमें अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेस, तो इसको मैं देखो सॉल्यूट को कैसे रिलेट कर रहा हूं, द डिस्पर्स्ड फेस और द सब्सटेंस व्हिच इज टू डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। मतलब जो पार्ट आपका डिसॉल्व किया जाएगा है ना उसको हम बोल सकते हैं सॉल्यूट। ठीक है, ओके मतलब इसको हम डिस्पर्स्ड फेस से रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्पर्स मीडियम से कैसे रिलेट करते हैं, वेल द डिस्पर्जन मीडियम इन विच द सॉल्यूट इज डिस्पर्स्ड, सॉल्यूट आपका डिस्पर्स्ड होगा, ओके, टू गेट अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर को गेन करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, उससे मैंने रिलेट कर दिया आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन को। क्लियर है? इसके ज़्यादा बाहर आपको कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा, तो बेसिक पार्ट मैंने सॉल्यूशन का यहाँ पे आपको बताया। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा मिक्सर्स पे। तो देखो मिक्सर्स की अगर मैं बात करूँगा तो मिक्सर्स को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ दियर कंपोनेंट्स। ओके तो इसमें बेटा पहला पार्ट आपका होता है कोर, सेकेंड पार्ट होता है कोलाइडल डिस्पर्जन, एंड थर्ड वन इज ट्रू सॉल्यूशन। ये तीनों को हम प्रॉपर वे में अभी हम करेंगे यहाँ पे इसको एक्सप्लेन और डिफाइन। ओके क्लियर है? तो पहले हम पढ़ेंगे बेटा कि व्हाट इज द कोर्स। तो कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो आप इसमें बेसिकली क्या है, कोर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स होंगे भाई सॉल्यूशन है आपका, तो इसमें मिक्सर्स होगा मोर देन टू और मोर देन टू आपके कंपोनेंट्स का, तो जो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ बेटा रिलेटिवली बिगर साइज होगा। तो यहाँ पे जितने भी बिगर साइज के जो आपके कंपोनेंट्स होंगे उनका जब कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हम कोर्स। इसका बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हो मिक्सर्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। ठीक है, मिक्सर्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, तो सॉल्ट और शुगर के जब एटम्स आपके मिक्सअप होंगे तो उसको बोलते हैं जनरली फॉर्मेशन ऑफ कोर्स, राइट, इट इज ए टाइप ऑफ मिक्सर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोलाइडल। तो व्हाट इज कोलाइडल फेस? तो कोलाइडल की अगर मैं बात करूं तो इसको आप देख सकते हो या अपना आई थिंक 9th क्लास के अंदर भी ये पढ़ा होगा, तो इसको नीचे यहाँ पे बात करेंगे स्टेप बाई स्टेप। तो पहला पॉइंट है आपका साइज ऑफ पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन द रेस। यहाँ पे जो आपको जो रेंज रहता है वो रेंज आपका रहता है 10^-7 सेंटीमीटर से 10^-4 समथिंग, ये रेंज आपको याद रखनी है। तो इसी रेंज के अंदर आपको कोलाइडल आपको फेस डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका एग्जांपल क्या है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब हम बेटा मिक्स करते हैं सल्फाइड सोल के साथ, बेसिकली अगर बात करूँ मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को अगर मिक्स करूँगा सल्फाइड सोल के साथ, तो ये बेसिक एग्जांपल होगा आपके कोलाइडल पार्ट का। नेक्स्ट इसमें हम और हम कैसे बोल सकते हैं कि बेटा यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो कोलाइडल आपका जो फेज है आर हाइड्रोजीनियस एंड कैन बी सेपरेटेड। ये आपका बिल्कुल मैं बात करने वाला हूँ कि चाहे कोर्स हो चाहे कोलाइडल वाला फेज हो, दोनों के अंदर जो भी आपके कंपोनेंट्स ऐड होंगे मिक्स होंगे उनको इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियस। ओके
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका कोलाइडल जो पार्ट होगा उसके अंदर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, व्हाट इज मीन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, कि भाई कैटाइंस और एनाइंस प्रेजेंट होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जनरली आपका सोल के साथ जो प्रेजेंस रहता है उसको बोलते हैं कोलाइडल फेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा ट्रू सॉल्यूशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग फोकस करेंगे, तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आपका समझने के लिए पहला पॉइंट है सॉल्युबल सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, मतलब जितने भी सब्सटेंस इजिली आपके सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल होने का मतलब क्या है कि उनके जो जिनके जो प्रीवियस बॉन्ड हैं जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो इजिली आपके ब्रेक कर जाएंगे और सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें लगा सॉल्युबल सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, तो वो बनाएंगे आपकी ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिजॉल्व पार्टिकल्स आर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑर्डर 10^-8 cm। तो भाई याद रखना है बेटा कोलाइडल के अंदर बेटा साइज कितना होता है 10^-7 से 10^-4, ये आपका रेंज। बट इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन ये 10^-8 cm को आपको डिफाइन करता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि आपका जो ट्रू सॉल्यूशन है बेटा वो होमोजीनियस, यस बिल्कुल होमोजीनियस होगा क्योंकि यहाँ पे आपके जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, कुछ न्यू बॉन्ड्स का आपका फॉर्मेशन होगा। एंड कैन नॉट बी शेप्ड बाई मैकेनिकल मेथड, आप मैकेनिकल मेथड से इसे आप बिल्कुल भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ट्रू सॉल्यूशन का पार्ट। तो मैंने तीनों डिफाइन किए हैं कोर्स क्या होता है, कोलाइडल आपका पार्ट क्या होगा और ट्रू सॉल्यूशन आपका क्या पार्ट होगा। क्लियर है बच्चों? ओके क्लियर है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके ओके तो हमारे इस जो चैप्टर के अंदर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे बेटा किस पार्ट पे, हम ट्रू सॉल्यूशंस पे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे जो फोकस करने वाले हैं इट इज़ ओनली फॉर द ट्रू सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और है कि इसके पहले जो हम लोगों ने पार्ट अभी डिस्कस किया था बच्चों, तो आपका जो मिक्सर था उस मिक्सर के आपके दो पार्ट थे, वो पहला पार्ट अगर मैं बात करूँ तो आपका कोर, सेकेंड पार्ट आपका कोलाइडल, थर्ड वन इज ट्रू सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये जो अगर मैं जेई मेंस और एडवांस की बात करूँ तो ये चैप्टर आपको रिलेट करता है ट्रू सॉल्यूशन के साथ, क्लियर है। तो हमें बेसिकली पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में। तो ट्रू सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं बेटा, तो ट्रू सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर बेटो, बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, येट इट इज ए होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का बेसिकली मीन क्या है कि बेटा यूनिफॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो यूनिफॉर्मली आपका जो अपीयरेंस होगा मिक्सचर्स के जो एटम्स या फिर जो आपके मोल्स जो होंगे उसके उसका एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आपका अरेंजमेंट होगा, मतलब साइंटिफिक पैटर्न में अरेंजमेंट होगा, क्लियर है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो हम बात कर सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर और टू और मोर सब्सटेंस, क्लियर है। इसमें होमोजीनियस को मैंने क्लैरिफाई नीचे किया है, होमोजीनियस एम्प्लाइज लिखा है इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ अपीयरेंस थ्रू आउट द मिक्सचर, आपको यूनिफॉर्मिटी आपको बिल्कुल मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा होमोजीनियस का मतलब ये, तो हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजीनियस ये भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजीनियस का बेसिकली मीन क्या होगा,
हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का यहाँ पे लिखा है आर मिक्सचर्स वेयर टू और मोर फेजेस आर प्रेजेंट। तो मतलब यहाँ पे एक सीधा सा पॉइंट है कि यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके, अब हम बात करने वाले हैं यहीं पे कि भाई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हम पहले पॉइंट की बात करें करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि आपका बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन बेटा पहला पॉइंट तो रहेगा इट इज़ ए होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस इन नेचर होगा। और इसके सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं ये टू पार्ट से बेटा आपका कॉम्बिनेशन होगा, इसमें एक पार्ट होगा जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे सॉल्यूट और सेकेंड पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट। क्लियर है? तो दो प्रॉपर्टीज है होमोजीनियस, सेकेंड पॉइंट आपका इसमें दो कंपोनेंट होंगे जिसके अंदर आपका पहला पार्ट सॉल्यूट सेकेंड पार्ट आपका सॉल्वेंट। क्लियर है? ओके, और मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि आपकी ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर जो बेटा सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट हमेशा आपका मैं स्पेसिफाइड कर देता हूँ, सॉल्वेंट हमेशा आपका ऑलवेज वन और सॉल्वेंट हमेशा आपका वन डिफाइन किया जाएगा एक ही कंपोनेंट, बट सॉल्यूट आपका एक और एक से अधिक हो सकता है, मतलब मोर देन वन, मतलब वन और मोर देन वन आपका डिफाइन हो सकता है, वन और मोर देन वन आपका डिफाइन यहाँ पे बिल्कुल होगा, तो उसको हम लोग यूज बेटा टर्म यूज करेंगे उसके लिए हम सॉल्यूट। क्लियर है? ओके, इसके बाद अब मैं आना चाहूँगा नेक्स्ट पॉइंट पे और देखेंगे उसको हम करेंगे क्लियर उसे। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी बेटा ट्रू सॉल्यूशन। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल, तो ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग करेंगे यहाँ पे डिफाइन। तो ट्रू सॉल्यूशन हम यूज डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, ए ट्रू सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यस द कंपोजिशन ऑफ विच इज नॉट फिक्स्ड एंड मे बी बेरीड बिटवीन सर्टेन लिमिट। इसमें दो पार्ट मैंने बताए थे, पहला पार्ट आपका ले सकते हो सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन पार्ट इज सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट की बात करेंगे अपन यहाँ पे, तो सॉल्वेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हुज कंस्टिट्यूट लार्जर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा लार्जर पार्ट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इसको स्मॉल एन से करते हैं रिप्रेजेंट। तो स्मॉल एन की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अगर बेटा मैक्सिमम हो गई तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, बाकी नंबर ऑफ मोल्स जो मैक्सिमम होंगे उससे कम जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे पार्ट बेटा जाएंगे सॉल्यूट के अंदर। क्लियर है? तो सॉल्यूट के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हम बात करते हैं, ग्राम को लेके बात नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, हम पार्टिकल्स को लेके बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स। इसमें नंबर ऑफ मोल्स अधिक होंगे उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे। तो लिखा है अदर कंपोनेंट्स हुज स्मॉलर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस। इसके बाद अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ अदर फैक्टर्स की। क्लियर है बच्चों? ठीक, ओके। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझने के लिए मैं कुछ बेसिक एग्जांपल लेने वाला हूँ, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा बेटा सॉल्यूशन की, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की। तो जो सॉल्यूशन है उसको हम दो पार्ट में आपको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका होगा उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे सॉल्यूट, और जो आपका सेकेंड पार्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है? तो आपका सॉल्यूट जो होगा, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपको जो सॉल्यूशन है उसका बेटा कंपोनेंट अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन कंपोनेंट अगर आपका टू है तो मुझे बताओ बेटा आपके सॉल्वेंट का कंपोनेंट कितना होगा। तो सॉल्वेंट का कंपोनेंट डेफिनेटली बेटा यहाँ पे ऑलवेज वन फिक्स रहेगा, लेकिन आपका सॉल्यूट भी आपका वन रहेगा क्योंकि आपका दोनों के मिश्रण बेटा आपका टू होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन के कंपोनेंट की दैट विल बी थ्री, अगर वो थ्री होगा तो आपका जो सॉल्वेंट है वो हमेशा फिक्स है बेटा ऑलवेज वन। और अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे सॉल्यूशन आपका यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे आपके जो सॉल्यूट के जो आपके कंपोनेंट होंगे दैट विल बी दी टू, इस तरीके से। तो मैं एक बात ये आपका रिजल्टेंट में बताना चाहूँगा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो हमेशा आपका फिक्स होगा, उसको आपको बोलना है ऑलवेज वन। तो सॉल्वेंट तो आपको हमेशा वन डिफाइन किया जाएगा, बट आपका जो सॉल्यूट है उसकी आपको वन और मोर देन वन आपको कंपोनेंट मिल सकते हैं। और उसको अगर मैं मैथमेटिकली समझूं तो मैथमेटिकली अपन देखो कैसे समझ सकते हैं उसको। तो मैथमेटिकली समझने के लिए मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मैं लेने वाला हूँ बेटा 180 ग्राम यूरिया, ठीक। 180 ग्राम यूरिया को बेटा हम लोग मिक्स करना चाहते हैं किसके साथ, हम लोग मिक्स करना चाहते हैं सपोज मैं बोलूँ 90 ग्राम वाटर, ठीक है, 90 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो 90 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अपन यहाँ पे मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने पे यहाँ पे किस तरीके से आपका
पार्ट आपका बनेगा। क्लियर है? ओके तो जब मैंने एग्जांपल की बात करूंगा, यूरिया है उस 180 ग्राम यूरिया के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा क्या होगा, यहाँ पे आपका ग्राम डिफाइंड है तो 180 डिवाइड बाई यूरिया का आपका जो मॉलिक्यूलर मास की मैं बात करूँ तो कितना रहेगा आपका, दैट विल बी दी 60। आप ये 0 0 कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करोगे तो आपको 3, तो आपको 3 मोल्स मिल जाएंगे बेटा यूरिया के। और इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स कितना था बेटा आपका 90 ग्राम, तो 90 डिवाइड बेटा हम लोग कितना करने वाले हैं, दैट विल बी दी 18। 18 आपका मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ से कितना आपको मिल जाएगा, इसे कैंसिल करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 मोल्स। तो आपको पता है कि जब मैं दोनों को यहाँ पे मिक्स किया है तो 5 मोल्स आपके वाटर के मिले हैं, 3 मोल्स मिले हैं आपके यूरिया के। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा अधिक किसके हैं, आपका नंबर ऑफ मोल्स बेटा मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स के। देयर शो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट, और आपका यूरिया क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा। बट अगर आपको 180 ग्राम और 90 ग्राम से अगर आप चेक करना चाहो तो 180 ग्राम के आप 180 ग्राम मैक्सिमम है तो आप 180 ग्राम को टिक करके आओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। अगर ग्राम के बिन है, ऑलरेडी हम डिस्कस किया ग्राम के बिन, तो ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपका यहाँ पे वॉल्यूम के बिन है तो BL डिवाइड बाई 22.4, और अगर आपका यहाँ पे नंबर्स के बिन है तो आपका नंबर्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, उससे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? ओके अब यहाँ पे एक बात और आपकी पूछी जाती है, वो एक्चुअली में क्या है कि जब हम बात करते हैं किसको बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन को लेके, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा हम डिफाइन करते हैं किसके नेचर के बेस पे, हम सॉल्वेंट के नेचर के बेस पे, कि भाई आपका जो सॉल्वेंट होगा उसका नेचर किस तरीके से होगा। जो नेचर आपके सॉल्वेंट का होगा वही नेचर आपके सॉल्यूशन का जनरली आपको मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं नेचर के बारे में तो बेटा पहला पार्ट आपका रहता है सॉलिड, ओके सॉलिड। सेकेंड पार्ट आपका हो सकता है गैस, एंड थर्ड पार्ट इज लिक्विड। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से ही कोई सा एक पार्ट आपका फेस डिफाइन किया जाएगा। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड फेज में है तो बेटा आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड आपका डिफाइन किया जाएगा। अगर आपका सॉल्वेंट गैस की फेज में है तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपकी गैस की फेज में डिफाइन किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि आपका सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होगा तो आपका जो आंसर होगा वो जनरली जो सॉल्यूशन का नेचर होगा बेटा वो आपका लिक्विड फेज को डिफाइन करेगा। क्लियर है? ये मैंने बात की नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सॉल्वेशन। व्हाट इज सॉल्वेशन, बेसिक टर्म है ये, लेकिन इस बेसिक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे व्हाट इज सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन में देखो, सॉल्वेशन आपके वर्ड समझ में आ रहा होगा बेटा, कहीं ना कहीं कुछ मिक्सअप हो रहा है, कोई चीज़ ऐड हो रही है। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉल्वेशन को क्या है। तो सॉल्वेशन में देखेंगे द इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद सॉल्यूट पार्टिकल्स टू फॉर्म एग्रीगेट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। मतलब सीधा सा पॉइंट है कि सॉल्यूट पार्टिकल को आप सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बेटा आप मिक्स कर दो तो जो इंट्रैक्शन होगा उसी के बेस पे जो आपका कुछ समथिंग कुछ आपका एग्रीगेशन होगा, मतलब कुछ कहीं ना कहीं जो सॉल्यूट पार्टिकल्स मिक्स करेंगे आपके सॉल्वेंट के साथ, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स के जो ओल्ड बॉन्ड होंगे वो कहीं ना कहीं आपके ओल्ड बॉन्ड क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक हो जाएंगे। और वहाँ से आपका और सॉल्वेंट के भी आपके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वहाँ से बनेगा आपका कुछ न्यू बॉन्ड्स। तो कहीं कहीं न्यू बॉन्ड्स बनने का मतलब क्या बेटा, कुछ समथिंग आपका न्यू पार्टिकल्स का फॉर्मेशन, न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन है। तो जब न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन है तो बेसिकली हम बात करते हैं कि जब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब वो सॉल्यूशन किसी भी कैटेगरी का होता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी टाइप का हो सकता है। तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे ये बात कर रहा था कि सॉल्वेशन क्या है। तो सॉल्वेशन में क्या है कि द इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विद सॉल्यूट पार्टिकल्स टू एक्ट टू फॉर्म एग्रीगेट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। ये हुई इसकी डेफिनेशन। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज इक्वेशन, क्या होता है इक्वेशन। कहीं ना कहीं बेटा वाटर मॉलिक्यूल से रिलेट हो रहा है। तो लिखा है व्हेन सॉल्वेंट स्पेसिफाइड दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो हम बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन जो होगा उसको बेटा हाइड्रेशन बोल सकते हैं या फिर हम एक्वेशन बोलेंगे। अदर देन वाटर मॉलिक्यूल्स होगा बेटा सॉल्वेंट तो उसको अपन सीधा सॉल्वेशन बोलेंगे। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसको हम एक्वेशन बोलते हैं और हाइड्रेशन टर्म हम यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपका जो सॉल्विलिटी है या फिर हम बात करते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जो मिक्स होने जा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ मैं चीज़ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, कुछ बेसिक पॉइंट आपको मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला पॉइंट है द एक्सटेंट टू विच सॉल्यूट डिजॉल्व डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब बेसिक आपका सॉल्विलिटी प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब पोलर आपका अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो बेटा पोलर सॉल्वेंट के साथ आपका मिक्स करेगा। आपका नॉन पोलर अगर बेटा आपका सॉल्यूट हुआ तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ ही मिक्स करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है दोनों मिक्स कर जाएं, तो ये आपका पॉसिबिलिटी नहीं होगी। इसलिए कहा है लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके
लिखा है नीचे पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, एग्जांपल आपका NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल बेटा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि जब NaCl को आप वाटर मॉलिक्यूल से मिक्स करोगे तो मिक्स करते टाइम होगा क्या, मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि भाई जब NaCl तो आपको बेटा मिलेगा सॉल्यूट फेज के अंदर, जब NaCl बेटा ब्रेक करेगा वाटर मॉलिक्यूल डालते ही तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा Na प्लस NaCl माइनस, ये डिसोसिएट हो जाएगा बेटा आयंस की फॉर्म में, और वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा वो भी आयंस के फेज में मिलेगा बेटा, तो ये आपको मिलेगा H प्लस एन OH माइनस में। जब बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स आपके आयंस की फेज में डिसोसिएट होगा तो यहाँ बेटा जो एनर्जी डिफाइन की जाती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और जब बेटा आपके NaCl ब्रेक करेगा Na प्लस Cl माइनस के अंदर तो इसके लिए हम बेटा यूज़ करते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज लैटिस एनर्जी, वन मोल कंपाउंड को, वन मोल आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं दैट विल बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेगा तो बेटा यहाँ से बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब इसके बाद क्या होगा बेटा कि जो Na प्लस बन चुका है इस Na प्लस के अराउंड क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा इसको हम बात करते हैं ये बेटा जस्ट लाइक ए डाइपोल, मतलब एक पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव, तो जो Na प्लस है बेटा इसके आसपास क्या होगा मैं वो सीन आपको पहले बताऊंगा कि आपके यहाँ पे आयंस तो बन चुके हैं तो जो Na प्लस होगा उस Na प्लस के अराउंड क्या होगा बेटा डाइपोल फेज में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से बेटा इसको एकोमुलेट कर लेगा, माइनस पार्ट पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव प्लस इस तरीके से। लेकिन आपका जो Cl- वाला पार्ट है उसके अराउंड बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स डाइपोल की फेज में एग्जिस्ट करेगा कुछ इस तरीके से, आपका यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट माइनस कुछ इस तरीके से, क्लियर है। तो यहाँ पे इस डाइपोल के फेज में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स एकोमोडेट कर जाएगा कैटाइंस और एनाइंस के साथ, तो यहाँ पे आपका ये जो प्रोसेस होगा इसको बोल सकते हैं कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो जिसके मैं एग्जांपल करूँ कि बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट में यूज करते हैं, क्यों बेटा यूज करते हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू बेटा सबसे हाई होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका बेसिक एग्जांपल की मैं बात करूँ तो आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CCl4 बेटा जब मिक्स करता है आपके बेंजीन के साथ तो दोनों ही बेटा आपके नॉन पोलर हैं क्योंकि दोनों का डाइपोल मोमेंट आपका जीरो होता है बिकॉज ऑफ प्लेनोसिमेट्री एक्सोसिमेट्री, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपका दोनों के अंदर बेटा आसानी से आपका सॉल्वेशन हो जाएगा, आपका दोनों के अंदर आसानी से इजीली आपका सॉल्वेशन हो जाएगा। और इसका एग्जांपल और दे सकते हैं आयोडीन के साथ आपका CCl4, तो I2 के साथ जब भी आप CCl4 को मिक्स करोगे तो भी बेटा आयोडीन भी क्या बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, बट यहाँ पे बेटा आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन मिलेगा, दोनों की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई पोलरिटी जनरेट नहीं होगी, तो बेटा ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, CCl4 भी आपका नॉन पोलर रहेगा, तो ये भी आसानी से बेटा सॉल्वोलिसिस को डिफाइन करेगा। क्लियर है बच्चों? ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैं इसके बाद बात करने जा रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्वेशन, तो भाई सॉल्वेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे। तो पहला आपका होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है कि सॉल्यूट में भी क्रिस्टलाइन एमोरफस आयोनिक एंड कोवेलेंट, तो भाई सॉल्वेंट आपका जो सॉल्यूट है वो कोई भी आपके टाइप का हो सकता है, क्रिस्टलाइन बेटा क्रिस्टल की फेज में मिल सकता है ना, क्रिस्टलाइन का मतलब बेटा क्या है जनरली आपको आयोनिक फेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्लियर है। और एमोरफस की बात करूँ बेटा तो आयोनिक फेज नहीं मिलेगा जनरली, यहाँ पे आपका जो पैटर्न होगा वो आपके एटम्स का जो पैटर्न होगा बेटा वो आपका पैटर्न साइंटिफिक ऑर्डर में ना होके वो किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट है आपका आयोनिक फेज मिल सकता है और कोवेलेंट भी फेज आपको मिल सकता है नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो भाई डिफरेंट फेज है तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आपका सॉल्वेशन प्रोसेस बिल्कुल आपका यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट को समझेंगे हम, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्लासिफाइड एज पोलर एंड नॉन पोलर। सॉल्वेंट आपके दो टाइप के हो सकते हो बेटा, पोलर और नॉन पोलर। तो ये भी आप देख सकते हो अगर बेटा पोलर के साथ पोलर हुआ तो मिक्सअप होगा, नॉन पोलर के साथ अगर आपका नॉन पोलर हुआ तो ही आपका मिक्सअप हो सकता है, आपका सॉल्वेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका अमाउंट ऑफ आपका सॉल्वेंट, तो लिखा है मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट विल डिजॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अगर भाई आपका सॉल्वेंट मैक्सिमम अमाउंट में होगा, नंबर ऑफ मोल्स मैक्सिमम होंगे, तो सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ मोल्स आपके जो होंगे मैक्सिमम बेटा आपके डिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेम्परेचर, नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात करूँ तो बेटा सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब वही होता है कि आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स है, सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितने अमाउंट में आपके डिजॉल्व हुए हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि भाई सॉल्वेशन के अंदर तो टेम्परेचर क्या अफेक्ट करेगा, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे उसके बेस पे आपका जो सॉल्विलिटी प्रोसेस है वो आपके इनकी जो डिक्रीज करता है वो डिपेंड करता है डिफरेंट स्टेट को, इट मे बी गैस लिक्विड और सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका प्रेशर,
प्रेशर बेटा जब भी टर्म यूज़ किया जाएगा तो हमेशा आपके दिमाग में गैस आना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म जब भी बेटा आपको बोला जाएगा तो आपके दिमाग के अंदर हमेशा लिक्विड फेज आना चाहिए। क्लियर है? ओके, तो प्रेशर टर्म जब भी आएगा तो लिखा है ओनली फॉर सॉल्यूशन व्हिच इन्वॉल्व गैसियस सॉल्यूट। क्लियर है? ओके, इसके बाद मैं चलूंगा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो बेटा यहाँ पे आपके दो टाइप्स होंगे। पहला टाइप होगा आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे, सेकेंड होगा आपका फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेस पे हम बात करने वाले हैं कि भाई आपके जो नंबर्स कंपोनेंट के हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, उसके बेस पे बाइनरी एंड डिफरेंट फेज किस तरीके डिजाइन होगा बेटा, हम कैसे बोलेंगे सॉल्यूशन को, और फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बेस पे हम किस तरीके से करेंगे डिफाइन सॉल्यूशन को। तो ठीक है, उसके लिए हम लोग चलते हैं, चलना पड़ेगा बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो पहला पॉइंट है आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट को लेके। बच्चों तो नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करें, अगर बेटा नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 है सॉल्यूशन के तो बेटा हम उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 हुए तो उसको बोलेंगे हम टर्नरी सॉल्यूशन, अगर 4 हुआ तो हम लोग बोलेंगे बेटा क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। क्लियर है? इस तरीके से तो 2 होने का मतलब क्या बेटा, इस 2 का मतलब है कि भाई इसमें आपका मैं बात करूं बेटा तो ये आपका सॉल्यूट मैंने इस कलर से लिखा हुआ है, और इस कलर से लिखा है मैंने देखो तो बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा हुआ है। क्लियर है? तो सॉल्यूट अगर बेटा आपके सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हैं तो आपका एक सॉल्वेंट का फिक्स होगा और सॉल्यूट का भी आपका एक होगा। अगर बेटा कंपोनेंट 3 हो गए तो भाई आपके सॉल्वेंट का कंपोनेंट एक ही रहेगा, बट बेटा आपका सॉल्यूट कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अगर बेटा इसके 4 कंपोनेंट हुए बेटा तो आपका सॉल्वेंट अभी भी बन रहेगा और आपका जो सॉल्यूट होगा वो बेटा आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो बहुत ही आपके लिए ईजी है। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके बेस पे हम किस तरीके से करेंगे डिफाइन, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अभी बात। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, और देखेंगे हम लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट बेटा मतलब क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो पहले हम बात करेंगे कि आपका जो सॉल्यूट है बेटा वो आपके किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, फिर आपका सॉल्यूट किस फेज में, लिक्विड फेज में, फिर आपका सॉल्यूट किस फेज में है, गैस की फेज में है। सॉल्वेंट को हम चेंज करते जाएंगे और हम करेंगे यहाँ पे कंपेयर। तो पहला बेटा है कि जब आपका सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड है, तो उसको हम बेटा बोलेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन को सॉलिड इन सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बेटा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एलॉय। एलॉय की बात करूं तो एलॉय बेटा बेसिकली क्या है, आपका ये होमोजीनियस मिक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब होमोजीनियस का मतलब क्या है कि आपके 2 or more मेटल्स होंगे बेटा, वो उनका मिक्सअप होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। इसके बेसिक एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा आपका ब्रास एंड आपका ब्रॉन्ज। तो हम बात कर सकते हैं जैसे एक और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कॉपर इन गोल्ड हो सकता है, जिंक इन कॉपर हो सकता है। मतलब सीधा सा पॉइंट ये है कि आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा जहाँ पे 2 or 2 आपके मेटल्स मिक्सअप हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉलिड से लिक्विड फेज में, तो उसको बोलेंगे हम सॉलिड इन लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट। और सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल लिखा है आयोडीन इन CCl4 sugar इन वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे इसमें लिखा है वैसे आपको अगर याद रखोगे बेटा ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा, कभी भी क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है तो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड में। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा सॉलिड से गैस फेज में। तो सॉलिड इन गैस का मतलब बेटा इसका बेसिक एग्जांपल में बात करूं तो आयोडीन इन एयर, ठीक है, आयोडीन बेटा आपके सॉलिड फेज में डिफाइन करेगा, एयर गैस की फेज में, स्मोक भी इसका एग्जांपल होता है। नेक्स्ट आपका लिक्विड और सॉलिड, तो इसको हम बेटा इसका एग्जांपल आपका रहेगा एमलगम है ना, मर्करी विद मेटल्स, डिफरेंट मेटल्स आपके हो सकती है, सोडियम भी इसमें हो सकता है। लिक्विड की बात करेंगे तो बेटा एथेनॉल इन वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस लिक्विड इन गैस, तो आपका ये मॉइस्चर हो सकता है, क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन भी होता है, और आपका जो CO2 गैस है उसको वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करना, ये भी आपका एक पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा गैस और सॉलिड में, तो इसका एग्जांपल आपका मिलेगा H2 गैस, पैलेडियम के ऊपर बेटा आपकी मिक्स एडजॉर्ब हो जाना है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस और लिक्विड की, तो इसे O2 इन आपका वाटर मॉलिक्यूल से मिक्स होना इस गैस का। नेक्स्ट आपका CO2 गैस का वाटर मॉलिक्यूल से मिक्स हो जाना, और अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन के वाटर मिक्स होना और CO2 का वाटर मिक्स होना, तो दोनों में से बेटा CO2 की वाटर मिक्स होने की जो टेंडेंसी है बेटा वो मैक्सिमम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि बेटा CO2 क्या है, पोलर है, और H2O भी आपका पोलर है, लेकिन ऑक्सीजन आपका पोलर नहीं होगा। नेक्स्ट है गैस एंड गैस की बात करेंगे, तो बेटा आपका बेसिक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एयर हो सकता है।
एयर के साथ साथ मैं अगर और बात करूं तो आपका नॉन रिएक्टिंग गैसेस भी आपकी हो सकती हैं, जैसे आपका इनर्ट गैसेस होता है उसका बेसिक एग्जांपल है। तो ठीक है, आप यहाँ पे ये जो टेबल आपको दी है ये टेबल आपको अच्छे तरीके से एक बार देख लेनी है, आपको याद हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद मैं चलूँगा नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड मोलरिटी। तो हम सॉलिड्स के साथ सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो उसके टर्म में आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, तो इसको हम लोग करेंगे फॉलो। क्लियर है। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज मैं इतना ही रखूँगा और कल से मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड मोलरिटी। ठीक है, तो डेली मैं कोशिश करूँगा कि आपको, अभी आज आपका स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं थोड़ा कम टाइम ले रहा हूँ, आप एक बार इसे देखो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। फिर इसमें मैं और कुछ नया भी इंट्रोड्यूस करूँगा तो सब कुछ आपको ईजी से आएगा। ओके, आज के इतना रखते हैं, थैंक यू।